इस कहानी को सुनने के बाद मैं आधे घंटे तक सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। अभी अपनी क्लास का टॉपर था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे पता चला कि उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर। अभी को इसकी वजह से बहुत ठेस पहुंची और उसने डिसाइड किया कि वो कैंसर का क्योर ढूंढ के निकालेगा। अभी ने आगे जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करी और एक अच्छा साइंटिस्ट बना और उसके बाद उसने सच में कैंसर का क्योर निकाला। अभी ने पूरी दुनिया की डेस्टिनी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। ऐसे में वरुण पैदा हुआ जिसको बचपन में एस्ट्रोसाइटोमा था, एक ब्रेन का ट्यूमर जो कि केवल और केवल अभी की दवाई की वजह से ठीक हो सकता था। वरुण एस्ट्रोसाइटोमा पूरी तरह से ठीक हो गया और एक नॉर्मल पर्सन बन गया। बट वरुण बहुत ही ज्यादा एंग्री स्टूडेंट के अंदर आता था, धीरे धीरे वो आर्मी ऑफिसर बना। ऐसे में एक लड़ाई के दौरान उसने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करेगा सामने वाली कंट्री के ऊपर। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करने लगी और इस तरीके से बहुत लोगों की जाने चली गई। वरुण दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाने वाला बंदा निकला। बट वरुण जिंदा तभी रह पाया था जब अभय ने कैंसर का इलाज ढूंढा था। इसका मतलब कि जो भी चीज अच्छी के लिए होती है जरूरी नहीं है वो अच्छे के लिए हो। तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट्स में बताओ।